नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड जो 1.5 लाख करोड़ किसानों को मिलेगा, केसीसी ऋण लेना होगा आसान, 1 अक्टूबर से सभी को घर घर जाकर दिया जाएगा 3 लाख तक का लोन। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड जो पहले भी बनता था लेकिन अब इसका क्या तरीका है नया, और किस प्रकार से गवर्नमेंट सभी किसानों को केसीसी देने की बात कर रही है। तो आए देखते हैं आगे इस वीडियो में पूरी जानकारी। 1 अक्टूबर से घर घर जाकर चलेगा केसीसी बनाने का काम। जाने किन किसानों को मिलेगा लाभ। किसानों को खेती किसानी के कई कामों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। स्थानीय स्तर पर साहूकारों से ऋण लेकर किसान को महंगा पड़ता है। गांव में साहूकार द्वारा किसानों को ऊंची ब्याज दर पर पैसा उधार दिया जाता है जो किसान के लिए चुकाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सरकार की ओर से किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि वह खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, ट्रैक्टर व अन्य कृषि मशीन की खरीद कर सके। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को सरकार की तरफ से यह क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसान अपनी खेती से जुड़ी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अभी भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है जिससे उन्हें सस्ता लोन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसानों की सुविधा के लिए सरकार की ओर से इन्हें क्रेडिट कार्ड दिए जाने का निर्णय लिया है ताकि उन्हें आसानी से बैंक से ऋण उपलब्ध हो सके। इस साल सरकार ने 1.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो किसान भाइयों, इसमें जो किसान हैं मतलब इसके पात्र हैं, सभी किसानों को सरकार केसीसी बना के दे रही है। इसमें वो पशुपालन भी कर सकते हैं, अपना कृषि के औजार भी खरीद सकते हैं, सब प्रकार के जो खाद बीज है सभी से ले सकते हैं। केसीसी के लिए कब लगेगा शिविर, ये बता दें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केसीसी घर घर अभियान की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य देश के प्रत्येक किसान तक केसीसी का लाभ पहुंचाना है। जिन किसानों के पास अब तक केसीसी की सुविधा नहीं है, इन्हें इसे जोड़ने के लिए सरकार की ओर से केसीसी अभियान चलाया जा रहा है। यह केसीसी अभियान 1 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा और 31 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा। अभियान के तहत यह सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि बिना किसी परेशानी के किसानों को आसानी से केसीसी सुविधा उपलब्ध हो सके। और ये जो किसान ऑनलाइन पोर्टल, जो ऋण का पोर्टल है, ये जो लॉन्च किया है, इसी के आधार पर ऑनलाइन ही केसीसी बनेगा किसानों का और ऑफलाइन भी बनता है। देश में करीब 7.35 करोड़ केसीसी खाता धारक। कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि 30 मार्च 2023 तक देश में करीब 7.35 करोड़ केसीसी खाता धारक हैं जिनकी कुल स्वीकृति आय 8.85 लाख करोड़ रुपए है। वहीं सरकार रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल अगस्त के दौरान रियायती ब्याज दर पर 6,530.50 करोड़ रुपए का कृषि लोन केसीसी खाताधारकों को दिए हैं। वही केसीसी लोन सुविधा अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए केसीसी घर घर अभियान शुरू किया गया है। इससे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा योजना पीएम किसान के गैर केसीसी धारकों के केसीसी बनाए जाएंगे। देश के इसे पीएम ने सभी खाताधारकों को देने का ऐलान किया कि सभी को दिया जाएगा केसीसी जो किसान हैं। केसीसी बनवाने की प्रक्रिया। जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है वे सभी किसान केसीसी बनवा सकते हैं। केसीसी बनवाने के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। पीएम किसान स्कीम वेबसाइट ये है, पर फॉर्म कॉर्नर में डाउनलोड किसान क्रेडिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को सही पूरा भरें और अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोकॉपी, ज़मीन के दस्तावेज, सवे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और मोबाइल नंबर आदि फॉर्म के साथ स्थापित करें और इससे संबंधित बैंक अधिकारी में जमा करवाएं। इसके बाद निर्धारित समय अवधि 14 से 15 दिन में बैंक आपका केसीसी जारी कर देता है। अगर इससे संबंधित बैंक केसीसी जारी करने में अनावश्यक देरी करते हैं तो इसकी शिकायत आप बैंक प्रबंधक से की जा सकती है। अगर बैंक प्रबंधक की सुनवाई नहीं करता तो आप जिला अधिकारी से इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो इसमें प्रोसेस बता दिया है, आप इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन बैंक में भी जाके कर सकते हैं। अगर कोई बैंक अधिकारी आनाकानी करता है तो आप पहले बैंक के जो हेड हैं, वहाँ आपके ब्रांच मैनेजर हैं, उनसे बोल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं मानते तो आप जिला अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से
ये केसीसी सभी को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।